Fondue. आपके स्टूडियो का ये लास्ट गणपति रखा गया है, तो कितने एक्साइटमेंट के साथ साथ कितनी इमोशनल है इस बारे में क्या बोलना चाहिए? नहीं, इमोशनल तो हम है ही हैं, बहुत ही जज्बाती वाली बात है, दुख की बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ा। और अगले साल से जहाँ भी हम जो ऑफिस जाएं लेंगे तो वहाँ पे छोटा सा और इससे गणपति, क्योंकि जगह इतनी होगी नहीं, और बाबा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से ये परंपरा जारी रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बाबा से इतना हम बोलेंगे कि हमें माफ़ कर देना, आपकी सेवा हमने हमेशा की, आपने मौका दिया हमें सेवा करने के लिए, परिवार को सेवा करने के लिए, और जो प्यार मोहब्बत से हम जितनी ये उत्सव मनाएंगे, मना सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आर के स्टूडियो हम दे रहे हैं, आर के फिल्म्स तो फिर भी जीवित है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक आध कई पिक्चर तो शुरू करेंगे जल्दी, तो आर के फिल्म्स को तो हमने नहीं निकाला। आर के स्टूडियो प्रैक्टिकलिटी में हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई एक्टर आता नहीं है, कोई लोग आते ही नहीं हैं, लोग बहुत दूर पड़ता है चंबू, रास्ते ख़राब हैं, मेट्रो बन रहा है, तो सारी विपत्तियाँ हम पर आके आई है। आज एक ज़माना जब ट्रैफिक इतना नहीं होता था, लोग तो आते ही थे, पर सब प्रैक्टिकलिटी में बहुत मुश्किल पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए, यू नो, प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक बहुत ही जैसे दिल पे पत्थर रख के ये कॉन्शियस डिसीजन हमारे परिवार ने, माता जी ने, सारी बहनों ने, भाइयों ने, हमने सब मिल के किया, और दुख होता है, बहुत दुख होता है। इस साल गणपति बप्पा से क्या विश मांगा आपने? और जो मांगा जाता है उसे बोला नहीं जाता। थैंक यू। बस आशीर्वाद दीजिए हमें कि ये परंपरा जारी रहे, आपका मनोरंजन कर सके, एक पिक्चर बना सके, बस उससे ज़्यादा क्या मांगूंगा मैं। थैंक यू।
वैसे तो देखा जाएगा तो हम नहीं चाहते कि आरके स्टूडियो बंद हो, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे जैसे गणपति बैठे बिठाए जाते हैं, आए जाते हैं, तो सब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं सब, मतलब कितने सारे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे सब लोग के, तो हम चाहते हैं कि ये नहीं बंद हो, लेकिन अभी हम भी नहीं कुछ कर सकते, तो लेट्स सी अभी क्या होता है। होप्स तो यही रहेंगे कि आरके स्टूडियो ना बंद हो। हम लोग तो अभी नागपुर से आए हैं यहाँ का गणपति देखने, हम भी चाहते कि आरके स्टूडियो बंद ना हो ना उसको बेचा जाए। कोशिश यही करनी चाहिए कि उसकी परंपरा चलती रहे, सब उसका नाम लेते रहे। ट्विटर पे हैशटैग बंद नहीं होने देंगे करके फैंस मुहिम चला रहे हैं कि मतलब आरके स्टूडियो बंद नहीं होने देंगे, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या चाहते हैं कि होना चाहिए? मतलब नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, और मेरे जैसे भी बहुत सारे और भी फैंस हैं जो आरके स्टूडियो के हैं, तो उनकी तरफ से भी यही मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगर फैंस जाने से नहीं हो सकता क्योंकि वो बंद कर ही रहे, तो कुछ मैसेज उनकी फैमिली के लिए, उनके ऑफिस जहाँ पे नया स्टूडियो बनेगा उसके लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगी कि जैसे आरके स्टूडियो है, मतलब जो अटैचमेंट यहाँ पे है, जैसा माहौल यहाँ पे था, तो वैसा ही माहौल मतलब रहे ये हमेशा। हाँ, जहाँ भी हो तो वैसा ही माहौल रहे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। ये आरके स्टूडियो का लास्ट गणपति था, तो कितना इमोशनल है इस चीज़ को लेकर? हमको बहुत दुख होगा, हम सूरत से हर साल आते हैं। अच्छा। यार के स्टूडियो हमारी पहचान है ऐसा हम समझते हैं। मेरे पापा है, तो उनके टाइम पे रणबीर कपूर जी, राजीव कपूर जी, मेरे टाइम पे रणबीर कपूर जी है, तो हम हर साल यहाँ पे जैसे लाल बाग आते वैसे आर के स्टूडियो हर साल आते हैं, तो नहीं बेचना चाहिए, रहना चाहिए। और यह ट्विटर पे फैंस मुहिम चला रहे हैं कि आरके स्टूडियो बंद नहीं होने देंगे, होनी चाहिए, नहीं होने देंगे। तो जैसे कि रणबीर कपूर ने कहा बंद तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ये बेच रहे हैं, तो कितना जुड़ाव था आपको, आप सभी को इस स्टूडियो से, और आप क्या बोलना चाहते हैं? इससे बहुत जुड़ाव है हमको बहुत थोड़ा दुख लगेगा, दुख होगा, क्योंकि ये जगह पे जो माहौल रहेगा वो दूसरी जगह पे बनेगा या नहीं बनेगा, ये यहाँ पे राज कपूर जी की भी यादें जुड़ी हुई है जो दूसरी जगह पे नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से यहीं पे रहना चाहिए। दूसरी फैमिली का जो पहले से चला आ रहा है वो और कहीं पे अब नहीं दिखेगा, जो भी यहाँ से जुड़ी यादें हैं राज कपूर या रणबीर कपूर हो या रणधीर कपूर हो, हम सबको आरके स्टूडियो से सबसे पहचान है। ऐसा है कि उनके फैमिली में से कोई तो उनका फैन होगा ही, करीना कपूर है या करिश्मा कपूर, इसलिए हम भी हर साल सूरत से यहाँ पे आते हैं। उनकी फैमिली के लिए कुछ विश करना चाहेंगे, कुछ मांगना चाहेंगे? बेस्ट विशेस है, और ये स्टूडियो नहीं रहा, लेकिन आगे जाके कोई और बड़ा स्टूडियो रहे उनका, और ऐसी तरह नाम चला रहे। शुभकामनाएं। थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। ओरिया। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे गणपति देखने? क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आज हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले, तो मैंने सोचा कि कितने सालों से मुझे देखना था इनका डेकोरेशन कैसा बैठता है, तो दादी ने मुझे बोला कि चलो आज देख के आ जाते हैं करके, तुम कितने सालों से बोल रहे हो, चलो इतने सालों से वेट कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब आपको पता चला कि ये यहाँ का लास्ट गणपति है, इसके बाद यहाँ पे नहीं। यस, इसलिए यहाँ पे आ गए, और रणबीर कपूर भी आए थे बट उनको देखना और नहीं मिला, मिस हो गए हम। तो ये स्टूडियो को कितना मिस करेंगे आप? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अब ये यहाँ पर है इसलिए नज़दीक पे फटाफट आ सकते हैं, कभी देखना होगा तो आ सकते हैं, अभी ये कहाँ पर जाएगा हमें पता तो नहीं है ना, तो कहाँ पर हम ये कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो कि नहीं शिफ्ट हो? नहीं, अगर उनको लेना है तो वो वहाँ दूसरे जगह भी ले, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर रहने दें। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। थैंक यू।